नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैसे तो वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह का अपना स्थान है। हर ग्रह जातक को कुछ ना कुछ लाभ प्रदान करते हैं। लग्जरी लाइफ, धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं वाले ग्रह शुक्र का भी अपना अलग स्थान होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत या उच्च के होते हैं, उनको जीवन भर पैसा विलासिता के लिए तरसना नहीं पड़ता है। हर जातक के जीवन में विभिन्न ग्रहों की महादशा और अंतरदशा चलती है। इसमें शुक्र की महादशा सबसे लंबी चलती है। उनकी महादशा 20 साल की होती है। ऐसे में जिस जातक के कुंडली में शुक्र उच्च के होते हैं, उनको 20 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जीने को मिलती है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी शुक्र की महादशा का सामना करना पड़ता है। शुक्र उच्च के होने पर जहां शानदार जीवन जीने को मिलता है, उनको सारे भौतिक सुख मिलते हैं और पैसों की तंगी का कभी सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं जब शुक्र किसी जातक की कुंडली में कमजोर स्थिति या फिर नीच के होते हैं, तो ऐसे लोगों को महादशा की अवधि के दौरान शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस दौरान उनको धन की कमी का सामना करना पड़ता है और किसी भी तरह की भोग विलासिता का सुख नहीं मिल पाता है। शुक्र की महादशा के दौरान अगर शुक्र कमजोर हो तो कुछ उपाय कर लेने चाहिए। शुम शुक्राय नमः या शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। रोजाना कम से कम 108 बार इसका जाप करें और जरूरतमंद लोगों को सफेद रंग की चीज यानी कि दूध, दही, घी, कपूर, सफेद फूल या मोती का दान करें। शुक्रवार को व्रत रखें और माँ लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें खीर का भोग लगाएं। हर शुक्रवार को आटा और चीनी मिलाकर चींटियों को आटा खिलाएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।